गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इज मैथ, चैप्टर नंबर 3 एडिशन इज गोइंग ऑन एंड वी हैड डन 3 एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी नंबर 4 ऑन पेज नंबर 36, एक्टिविटी नंबर 4। ये एक्टिविटी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। गॉट इट? इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको पता होना चाहिए एडिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एडिशन प्रॉपर्टीज इन द सेंस, व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी नंबर द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ। जब भी जीरो किसी नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। सपोज 4550, इसमें मैंने ज़ीरो ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 4550। ठीक है कि जब भी जीरो को किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, व्हेन वन इज एडेड टू एनी नंबर द आंसर विल बी द सक्सेसर ऑफ द नंबर। कि सपोज मैंने 4550 में प्लस वन किया तो उसका सक्सेसर मतलब जस्ट आफ्टर नंबर 4551। ठीक है, सक्सेसर जस्ट बाद वाला नंबर आ जाता है। वन ऐड करने पर आंसर हमेशा जो नंबर होता है उसका बाद वाला नंबर आ जाता है। वन नहीं, जिस नंबर में हम ऐड करें उस नंबर का जस्ट बाद वाला नंबर आंसर होता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टीज होती है एडिशन की, कि एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर सम में कोई भी चेंज नहीं होता। सम हमेशा सेम ही रहता है, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दो लेकिन सम चेंज नहीं होता। ओके, ऑलराइट। एक्टिविटी नंबर 4, फिल इन द बॉक्स। बुक में ही करना है आपको, फिल इन द बॉक्सेस। फर्स्ट 4634 + -=4634। तो देखिए सेम नंबर कब आता है? व्हेन जीरो इज एडेड टू द नंबर। जब जीरो ऐड किया जाता है तभी हमारे पास आंसर सेम नंबर आता है, आंसर आएगा जीरो। सेकेंड 21346 + 1, प्लस वन करेंगे तो देखिए प्लस वन वंस प्लेस है ना, तो वंस प्लेस वैल्यू में ऐड कर दो बस, बाकी के डिजिट सेम आएंगे। 2134, 6 + 1 = 7, 21346। ओके, देन थर्ड वन 53476 + 0, अगेन प्लस जीरो तो सेम नंबर आएगा 53476। डन। देन फोर्थ, दैट इज 34567 + = 34568। तो देखिए 68 आ रहा है एंड यहाँ हमारे पास 67 है, तो सक्सेसर आ रहा है आंसर में, इसका मतलब हमने क्या ऐड किया होगा? वन। क्या ऐड किया होगा? वन। ठीक है, देन देखिए फिफ्थ वन, फिफ्थ है 14357 + 19235 = 19235 प्लस। अब देखिए दो नंबर हैं, मैंने अभी बताया था ना नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने में सब में कोई चेंज नहीं होता, तो ये नंबर हमारे पास गिवन है, कौन सा नंबर मिसिंग है? 14347। ओके, तो ये हो गया, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे, देन वी विल डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है बेटा। डन। ओके, नाउ रिमेनिंग टू पार्ट्स, देन देखिए 6 82547 + (35458 + 10000 =
82,547 प्लस डैश प्लस 10,000। अब देखिए एडिशन प्रॉपर्टीज है ना, नंबर्स को ऑर्डर चेंज कर लो लेकिन सब में कोई डिफरेंस नहीं आता। देखिए 82,547 सेम है, 10,000 सेम है, रिमेनिंग नंबर कौन सा है 35,458। तो हम मिसिंग नंबर को नोट डाउन कर लेंगे। गॉट इट? लास्ट जो है वो आपको अपने आप करना है। अब एक लास्ट तो आप भी ट्राई करेंगे ना बेटा, ठीक है? लास्ट जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है वो आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे, बुक में ही कंप्लीट करना है। ओके तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ जल्दी से मूव ऑन करेंगे एक्टिविटी नंबर 5 पे। छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, बुक में नहीं करनी, किसमें करनी है? नोटबुक में कंप्लीट करनी है। गॉट इट? एक्टिविटी नंबर 5 ऑन पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे एक्टिविटी नंबर 5 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑलरेडी डन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी डन इन योर बुक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप कॉपी कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको समझा देती हूँ। द कॉस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ₹42,850 एंड द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज ₹28,350। वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ व्हीकल्स? तो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल एंड कॉस्ट ऑफ स्कूटर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आपके पास पता चल जाएगी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 72,584 लॉक्स इन 2009 एंड 37,846 लॉक्स इन 2010। हाउ मैनी लॉक्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन 2 ईयर्स? तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2? नोटबुक में करना है बेटा। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, देन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 2009 equals to 72,584, 2010 equals to 37,846. अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री, टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री ने टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने मैन्युफैक्चर्ड करे वो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? 4 + 6 = 10, 1 carry forward date, 9 + 4 = 13, 1 carry forward date, 5 + 1 = 6, 6 + 8 = 14, 1 carry forward date, 10, 1 carry forward date, 11। कैरी को रिमूव कर देंगे, 110,430 लॉक्स, ठीक है? अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। ओके जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हैव यू टेकन? डन। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ड्यूरिंग अ सेंसस, सेंसस मतलब होता है जनगणना, इट वॉज फाउंड दैट देयर वर 2,34,786 मेल्स एंड 1,93,877 फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर टाउन, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो हम कैसे लिखेंगे जल्दी से देखेंगे बच्चे, जो बच्चे लाइव क्लासेस में अटेंड करते हैं उनका तो ये वर्क कंप्लीट है,
जिन जो बच्चे लाइव क्लास को अटेंड करने में निबल होते हैं, नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए है ये वीडियोस। सो लाइव क्लास में जो बच्चे रहते हैं वो कन्फ्यूज मत होना कि आपको वापस करना है, वापस नहीं करना आपको। ड्यूरिंग अ सेंसेस, ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसेस। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसेस इन अ टाउन, इन अ टाउन हम लिखेंगे नंबर ऑफ, इन अ टाउन नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स टू 234,786, देन नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स 1,93,877, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 234,786 प्लस 1,93,877, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, देखिए 7 प्लस 6 3, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 8 प्लस 8 अगेन 16, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 9 12, 1 कैरी फॉरवर्डेड, 4,28,663 बेटा। ओके डन, ऑल राइट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग अपने आप करेंगे इस चैप्टर का, और उसके नीचे देखिए मेंटल मैथ्स कॉर्नर एक एक्टिविटी है, मेंटल मैथ्स कॉर्नर, जो कि आप लोगों को अपने आप करनी है। मेंटल मैथ्स कॉर्नर पेज नंबर 37 पे देखेंगे, मेंटल मैथ्स कॉर्नर ये बुक में फिल करना है आपको, अपने आप करना है, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है इसमें, जल्दी से करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इन आर नेक्स्ट वीडियो वील डू रिव्यू एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन को देखेंगे। Till then, stay safe, stay home. Have a nice day.